आज की क्लास में हम अमित जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल के बारे में आज जानेंगे आपके साथ। पिवट टेबल में हम बात जानेंगे कैलकुलेशंस की कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। जैसे हमने यहाँ पे नेम रख दिया और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि हमारा टोटल, ओके, काउंट आ गया। मान लीजिए मैंने इसको सम कर दिया, तो जब भी आप कोई फील्ड को अपने वैल्यू सेक्शन में रखते हैं तो वहां पे सम या काउंट आता है। तो सम कब आएगा? जब जिस डेटा को आपने सेलेक्ट किया उसमें सिर्फ नंबर हो, कोई ब्लैंक वगैरह ना हो। अब कोई ब्लैंक वगैरह हो तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? काउंट में आएगा। तो काउंट को हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम इसको सम कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे डेटा में बहुत सारे डेसिमल्स हैं, तो ऐसा होगा तो यहाँ इस तरह से डेसिमल प्लेसेस आएगा और आपको यहां से डेसिमल प्लेस को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये नॉट कनेक्टेड टू योर पिवट टेबल। कल के डेट में जब रिफ्रेश करते हैं वैल्यू चेंज होता है तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेता है। तो अच्छा है कि जब हम वैल्यू फील्ड सेटिंग करें तो वहीं पे हमारा नंबर फॉर्मेट दिखेगा और यहीं पे हम अपना नंबर फॉर्मेट पर अपने डेसिमल को जीरो कर दे या जो भी डेसिमल प्लेस चाहिए वो डेसिमल पहले से हम यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो डेटा आ जाएगा। अब ठीक है सर, अब एक चीज और जान लीजिए कि आप किसी भी वैल्यू को फिल्टर, कॉलन एंड रो तीनों में से किसी एक में एक बार रख सकते हैं, एक से ज्यादा बार। बट वैल्यू में आप वन टाइम एक से ज्यादा बार रख सकते हैं। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल को एक से ज्यादा बार रख सकते हैं अलग अलग कैलकुलेशन के साथ। अब जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और यहाँ नो कैलकुलेशन के जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन आ गया है, कितने कितना सेल किया है। अब इसी तरह से इसके अंदर भी वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर ही बहुत सारे चीजें हैं, परसेंटेज ऑफ रो टोटल ग्रांड टोटल, ये चीजें यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें आगे और चीज करते हैं। मान लीजिए पिवट टेबल में हमने जो है क्वांटिटी को रख दिया, मान लीजिए इसमें वैल्यू फील्ड सेटिंग, या फिर आपके डेटा में जो भी क्वांटिटी है उसको ले लेते हैं। जैसे ये आपका पूरा सेल आया हुआ है और मैं लास्ट में एक क्वांटिटी का कॉलन ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए छोटा डेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है तो इसकी जो टोटल्स है वो बहुत बड़े बड़े में आ रहे हैं, जिस कारण से समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके हम पिवट टेबल बना रहे हैं। पिवट टेबल बनाने के बाद हम यहाँ क्वांटिटी को यहाँ रखते हैं और मान लीजिए नेम को यहाँ रखते हैं, तो ये रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसके टारगेट को देखना है। मुझे पता करना है कि भाई पूजा ने 6434 जो सेल किया है उसका ओवरऑल टारगेट क्या है। ओवरऑल टारगेट क्या है,
तो हमने क्या किया कि अपने डेटा में सबसे नीचे टारगेट को ऐड किया, टारगेट, और यहां हमने मान लीजिए कि 9000 रुपए का टारगेट, 9000 क्वांटिटी का टारगेट ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां हुई कि हमने जो डेटा ऐड किया वो 81 में 82 में अब एक पिवट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रीजन ये हुआ कि जब मैंने पिवट लगाया तो मेरा डेटा 1581 तक था, 1582 हमने नया ऐड किया है। तो यहां हम क्या करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स, और चेंज डेटा सोर्स में हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे दोबारा से ताकि 9000 जो है पिवट के अंदर आ जाए और यहां आपको 9000 टारगेट शो हो जाए। अब मैंने यहाँ क्वांटिटी को एक बार और रखा और मैं चाहता हूँ कि ये जो 9000 है इससे बाकी सबको डिवाइड कर दिया जाए ताकि हमें अचीवमेंट मिल जाए। तो उस केस में हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ परसेंटेज ऑफ और नेम में मैं यहाँ नीचे आके टारगेट को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि टारगेट की अमाउंट को बाकी सबको डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये आपके सामने कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस पे हमारा मंथली टोटल है या किस तरह, मान लीजिए जोन वाइज हमारा टोटल हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि हमने जोन बाय जो टोटल यहाँ पे हमने निकाल दिया, क्वांटिटी रख देता हूँ, इसमें और चीजें भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अब बहुत सारी चीजें क्या की जा सकती है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका क्यूम्युलेटिव टोटल निकालना है, जिसको रनिंग टोटल भी कहते हैं वो निकालना है। सेंट्रल का इतना था, सेंट्रल ईस्ट मिला के कितना हुआ, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ मिला के कितना हुआ, वो सारे चीज यहाँ पे आना चाहिए। तो हम एक बार क्वांटिटी को वापस यहाँ रखते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं, सो वैल्यू एज पे जाते हैं एंड नो कैलकुलेशन के जगह पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं रनिंग टोटल, रनिंग टोटल एंड ओके। आप देखिए आपके सामने क्यूमुलेटिव टोटल आ गया। आपको रनिंग टोटल परसेंटेज में चाहिए तो आप इसको रनिंग टोटल परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका 18% सेंट्रल में था, सेंट्रल ईस्ट मिला के 35% हो गया और ये मिला के आपका 53% हो गया। तो इस तरह की परसेंटेज आप ला सकते हैं यहां से। तो सो वैल्यू रेंज में और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, आप एक बार तैयारी कीजिएगा, चेक कीजिएगा, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है नीत जी? ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस में अगली चीज, जैसे कि हमने जो कॉपी करके एक अलग सीट के ले जाता हूँ, एक अलग तरह का डेटा चाहिए मुझे, और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और हमने यहाँ पे एमआरपी कर दिया यहाँ पे। पिवट टेबल के अंदर में हम यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आप मेरे डेटा में देख सकते हैं कि मेरे डेटा में नेम है, सिटी है, क्वांटिटी एमआरपी है। अब इसकी बाकी कैलकुलेशन नहीं, जैसे कि 19 पीस 68 रुपीज के हिसाब से मिला है, तो मुझे इसकी अमाउंट कैलकुलेट करना है, मुझे इसका टैक्स जीएसटी कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम डेटा के अंदर किसी भी तरह का रेटिंग चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर डेटा के अंदर किसी तरह का चेंज हम करते हैं
तो फिर मेरा डेटा किसी और से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो यहां हम क्वांटिटी को रखते हैं, एमआरपी भी रख सकते हैं, एवरेज एमआरपी जब भी रखिएगा एवरेज रखिएगा, एवरेज रखिएगा। बाकी कैलकुलेशन कैसे हो? तो बाकी कैलकुलेशंस के लिए हम कैलकुलेटिंग फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, कैलकुलेटिंग फील्ड का, वो कहाँ होता है? पिवट टेबल एनालाइज में फील्ड आइटम सेट के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड होगा, जहां आप अपने हिसाब से नया कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे निकाला अमाउंट, अमाउंट के अंदर में हमने यहां पे ले लिया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, इसको ऐड किया, ओके किया, ये देखिए यहां पे सम ऑफ अमाउंट आ गया। मान लीजिए मुझे इस पे 18% की जीएसटी भी निकालनी है, तो कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ जीएसटी और यहाँ पे हमने बोला, अब यहाँ पे अमाउंट दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को रखिए और इसी पे कर दीजिए अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%। मुझे फिर टोटल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे जी टोटल, दोबारा से करना पड़ेगा जी टोटल यहाँ पे इक्वल अमाउंट प्लस जीएसटी ऐड किया, आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो हमने अभी बात की, छोटे मोटे जो चेंजिंग होते हैं उन चेंजिंग के बारे में आपके सामने बात किया कि छोटे मोटे मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह से कैलकुलेशन और वैल्यू फील्ड सेटिंग में कर सकते हैं। क्योंकि क्या वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? जैसे कि आपके सामने ये आर हमारा जो ग्रांड टोटल है वो डेसिमल्स में है, मैं इसको राउंड में करना चाहता हूँ। हालांकि राउंड हम यहाँ से कर देते हैं, बट फॉर्मेट चेंजिंग हुआ ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए राउंड है तो ये फॉर्मेट चेंज नहीं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, हमें इसको एक्चुअल में राउंड करना है। तो इसके लिए हम राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटिंग फील्ड में यहाँ से हमारा नया फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जी टोटल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब इसी को मैं राउंड फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा जीरो कर दीजिए और यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए अमाउंट इन राउंड्स में आ गया। एक सम फॉर्मूले भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो इस तरह फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे जिसका रिजल्ट नंबर में आ रहा हो। अगर टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं करेगा, शो करेगा नंबर। अगर आप ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाते हैं जो कि नंबर शो नहीं करता है, टेक्स्ट शो करता है, तो आपको एरर शो करेगा। हम बात करते हैं कि क्या हम इस पे सिंपल एक्सेल फॉर्मूले ही लगा सकते हैं। अभी भी मैंने बताया आपको कि मैंने राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया पिवट टेबल के अंदर, क्या लेकिन क्या पिवट टेबल के अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पे कमीशन देना है, हमें क्या देना है? कमीशन देना है। हमें चाहते हैं कि अगर 6,000 से नीचे हुआ तो मुझे 5,000 का इंसेंटिव देना है, 6,500 हुआ तो 3,000 का देना है, 10,000 का, अगर 6,500 से ऊपर हुआ तो हमें देना है 20,000 का कमीशन। तो यहाँ पे हम जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर, यहाँ पे अपना देते हैं कमीशन और यहाँ इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ, और यहाँ पे क्वांटिटी जो हमारा उसको देते हैं, बोलते हैं कि क्या ये लेस देन इक्वल टू 6,000 है, ऐसा है तो 5,000 दे दे। अगेन इफ लगाया और क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, बोला लेस देन इक्वल टू
6500 है, ऐसा है तो 10,000 दो, अदरवाइज 20,000 दो। और दो इफ, दो ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड इसको ऐड कीजिए, देन ओके कीजिए, और आपके सामने आपका कमी, आपका जो कमीशंस है वो यहां मिल गया। अमित जी समझ में आया आपको? जी सर, लेकिन कमीशन का कैलकुलेशन तो सम गड़बड़ है ना सर? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे कि मैं चाहता हूं फील्ड को कैलकुलेट नहीं करना, हम आइटम्स को कैलकुलेट करना। आइटम जैसे मान लीजिए पूजा है और मान लीजिए कवि है और अजीत है, इसको टोटल करना है या कोई फॉर्मूला लगाना है इसके टोटल पे या कुछ और करना है, तो आप क्या करते थे, कंट्रोल सेलेक्ट करके और इसको राइट क्लिक करके क्या करते थे, ग्रुप कर देते थे। ग्रुप करते ही इस तरह से दो फील्ड बन कर आ जाता है, मुझे ग्रुप नहीं करना है, ग्रुप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फील्ड आइटम सेट में ही आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम दिख रहा होगा, और कैलकुलेटेड आइटम डीएक्टिवेटेड है। एक कब एक्टिवेटेड होगा, जब आप आइटम के ऊपर कर्सर रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ रखा, अब देखिए ये एक्टिवेटेड हो गया। कैलकुलेट आइटम, अब कैलकुलेट आइटम यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि इस पिवट पे बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, फील्ड कैलकुलेशन, इसलिए नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक अलग पिवट बनाते हैं, क्या उस पर होगा, कभी कभी इसी प्रॉब्लम होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखता हूं, कैलकुलेटेड आइटम, अब मैं यहां पे मान लीजिए इन हाउस, इन हाउस, और यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया पूजा, वो जो इससे पहले नहीं हुआ था ना, उसका रीजन कैलकुलेशन नहीं था, ग्रुपिंग था। जब ग्रुप कर देते हो तो कैलकुलेटर आइटम वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं तीनों को सेलेक्ट किया, ऐड किया, मॉडिफाई किया, देखिए यहाँ पे इनवॉइस आ गया। लेकिन ध्यान है कि आपके टोटल पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए देवता या आपका बाकी चीजों का जो टोटल है वो दो बार तीन बार रिपीट हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने पिवट टेबल भेजा और उस पिवट टेबल में बहुत सारी कैलकुलेशन की हुई है, बहुत सारी कैलकुलेशन की हुई है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कि जो कैलकुलेशन है वो पता चले, तो फील्ड सेटिंग के अंदर ही आपको लिस्ट फॉर्मूला दिख रहा है, इस लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई सीट पे आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखा देगा, या आपने मैनुअल कैलकुलेशन किया हुआ है या आपको फॉर्मूला लगाए हुए हैं, यहाँ पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है सर जी, अच्छा। तो अमित जी, अभी आपको मैंने कैलकुलेशन समझाया, और मैं चाहता हूं कि इसकी प्रैक्टिस कर मुझे इसकी तकरीबन 10 से 15 जो एग्जांपल्स है वो बना के भेजे। जी हाँ, 10 से 15 एग्जांपल।